अधिकारी बना करके भेज देते हैं। आपने इसी पर्चे में इसी पेपर में जिक्र किया है कि 14 दिन के भुगतान का, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जिन्होंने नहीं दिया आज तक, एक साल हो गया भुगतान को, एक साल का पैसा की बात कर रहा हूं मैं, 21-22 की बात कर रहा हूं, लगभग 1000 करोड़ 1500 करोड़ के आसपास का भुगतान है। क्या मंत्री जी इन विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जिनके कारण भुगतान नहीं हुआ है, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का काम करेंगे? चूंकि किसान के ऊपर सरकारी सहकारी एक भी पैसा अगर बकाया हो जाता है तो किसान को बेइज्जत किया जाता है। गन्ने का भुगतान किया, हाँ गन्ने का खरीदा तब भुगतान किया कि ये एक्स्ट्रा भुगतान कर दिया? अगर एक्स्ट्रा नहीं किया तो इसमें वाहवाही क्यों लूट रहे हैं? बहुत हिम्मत के साथ, बहुत मजबूती के साथ जवाब दिया कि हमने इतना इतना कर दिया। अरे साहब, एक रुपया भी रह रहा किसान का क्यों रह रहा है तो बता दो, किसान की खता क्या है साहब? हम लोग किसान परिवार से आते हैं, मुझे ये बता दीजिए, अगर किसान के ऊपर एक पैसा भी होता है तो उसे नोटिस भेज करके जलील किया जाता है, उसे बेइज्जत किया जाता है। सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, सरकार ने आते ही कहा था कि हम लाभ दुगुना करने का काम करेंगे, लाभकारी मूल्य देने का काम करेंगे, एक रुपया भी नहीं बढ़ाया साहब, इसके बारे में जरूर बता दीजिए। 14 दिन में भुगतान का जिक्र कर, अच्छा इनका कोई सुझाव नहीं, उत्तर भरने के उत्तर मलिकी उत्तर ले लीजिए प्लीज। आज भी अकेले जनपद शामली का लगभग 169 करोड़, शामली की शामली मिल का ऊन का 169 करोड़, 200 करोड़ से भी ज्यादा है थाना भवन का, बुढ़ाना का एक पैसा अब तक इस सत्र का नहीं जाएगा। ये भी पूछना चाहता हूँ, मेरठ की भी रही आज। चलिए मेरी बात सुनिए पंकज जी, आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, कई बार जीत चुके हैं, आपके खानदानी विधायक हैं आप, माने पंकज मलिक। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में गन्ने की फसल ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है, मैंने सवाल पूछा था गन्ना भुगतान के संदर्भ में, इस जवाब में ही एक सवाल है मेरा, इन्होंने मुझे जवाब दिया है कि 2021-22 के कुल देय गन्ना मूल्य 35,201.34 करोड़ के सापेक्ष 34,565.77 करोड़ का भुगतान हो गया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए मंत्री जी बहुत सक्षम है, बहुत विद्वान है, मैं जानता हूं इनकी क्षमता को भी जानता हूं, पर अधिकारी बना करके भेज देते हैं, आपने इसी पर्चे में इसी पेपर में जिक्र किया है कि 14 दिन के भुगतान का, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जिन्होंने नहीं दिया आज तक, एक साल हो गया भुगतान को, एक साल का पैसा की बात कर रहा हूं मैं, 21-22 की बात कर रहा हूं, लगभग 1000 करोड़ 1500 करोड़ के आसपास का भुगतान है। क्या मंत्री जी इन विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जिनके कारण भुगतान नहीं हुआ है, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का काम करेंगे? चूंकि किसान के ऊपर सरकारी सहकारी एक भी पैसा अगर बकाया हो जाता है तो किसान को बेइज्जत किया जाता है, कोई छूट नहीं मिलती, ब्याज में कोई छूट किसान को मिल नहीं पाती, एक सवाल तो यह। दूसरा एक सवाल है, यह सुझाव भी है और सवाल भी है, चीनी मिलों में चीनी के अतिरिक्त भी गन्ने का रस, सीरा, एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है, चीनी इसे नियमानुसार एथेनॉल को पेट्रोल कंपनियां पेट्रोलियम कंपनियों को बेचकर 21 दिन के अंदर भुगतान भी प्राप्त कर रही हैं। मेरा सीधा सा अनुरोध है, क्या एथेनॉल के इस रुपये से गन्ने किसानों को भुगतान करने की कोई योजना बनाएगी जिससे विलंब जो होता है वो विलंब ना हो? ये दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। स्पेसिफिक पूछे, ठीक पूछा आपने। माननीय विधायक जी ने अभी कहा था, जो आपने सवाल पूछा इसमें दोनों में ये डिफरेंस है कि आपने सवाल जो पूछा था वो 22 दिसंबर तक पूछा, 22 दिसंबर तक हमारे इस साल का भी कुछ दे हुआ जो मिल चल गई थी और पुराना भी ही दे था, तो इसलिए केवल वही दिया है। और आपने जो ये बात कही कि वो 1500 करोड़ रुपया बाकी है, वो ऐसा नहीं है, अब मात्र हमारे पास 490 करोड़ रुपए बाकी रह गया है पीछे का, 490 करोड़ रुपए बाकी रहा है, और इसका इस साल जो वर्तमान में है ये चल रहा है सीजन, इसमें मानवर 20,413 करोड़ रुपए का गन्ना अब तक हमने खरीदा है 20 तारीख की शाम तक, और हमने 14,612 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, इसका 70% होता है, तो
71% भुगतान होता है। हम पूरी तरह से सजग हैं भुगतान के प्रति, और मैं चूँकि वो गन्ने की पूरे देश में सबसे मजबूत बेल्ट है, इसलिए मैं माननीय पंकज विधायक जी को बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने 6 साल में अब तक 1,86,720 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ने का डायरेक्ट किया है जो किसान के खाते में गया 6 साल में, और इसका यही एक सबूत है। खरीदा तब भुगतान किया कि एक्स्ट्रा भुगतान कर दिया, अगर एक्स्ट्रा नहीं किया तो इसमें वाहवाही क्यों लूट रहे हैं? आदरणीय वर्मा जी, पहले ऐसा भी कभी होता था जितना खरीदा उससे ज्यादा भुगतान हुआ था, क्या करें? हमने ज्यादा गन्ना पैदा किया, ज्यादा गन्ना दिया, फिर भी उसका बकाया है आपके अनुसार 6,000 करोड़ बकाया है। तो मैंने सोचा उससे ज्यादा भी हो सकता है, अनुसार भी 6,000 करोड़ रुपया। माननीय मंत्री जी, उत्तर आ जाए पूरा, फिर आप पूछ लीजिएगा। पंकज जी आप उसके बाद पूछ लीजिएगा, मंत्री जी आप उत्तर दीजिए फिर पूछ ले, संक्षिप्त रहिए सारे प्रश्न। एक आदरणीय वर्मा जी से आग्रह कर रहा हूँ, मैं इसमें नहीं जाता, लेकिन 2007 से लेके 12 तक जब आप वित्त मंत्री थे, वो भी हमने 13,000 करोड़ का भुगतान हमारी सरकार ने किया, और इसके बाद जो सरकार थी उनका भी 10,000 करोड़ का भुगतान हमारी सरकार ने किया। जो ये और इस बात का ये सबूत है, एक पहले कभी भी 21 लाख हेक्टेयर से ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में नहीं बोया गया, आज उत्तर प्रदेश में 28 लाख हेक्टेयर से ज्यादा गन्ना बोया गया। माननीय पंकज मलिक, माननीय माधव प्रसाद जी पांडे, माननीय माधव प्रसाद जी, देख जी ये गन्ने की समस्या बकाए की बहुत पुरानी चली आ रही, इसीलिए शुगर केन परचेज एक्ट बना था, उसमें एक व्यवस्था की गई थी ट्रैकिंग की। उसका मतलब है कि जब ये चीनी मिल चीनी पैदा करती है तो उसके अगेंस्ट बैंकों से लोन लेती है, और उसमें ये नियम था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ये सब महीने में उसकी समीक्षा करेंगे उस नियम के अनुसार, और जो लोन इनके पास या जो रुपया आएगा चीनी बेच कर किसी तरह से उसका 80% से अधिक किसानों को भुगतान किया जाएगा। तो अगर इस व्यवस्था को लागू किया जाए तो इतना बकाया न रह जाए। क्या माननीय मंत्री जी ये नियम खत्म हो गया है? माननीय मंत्री जी, मंत्री उसके बाद लास्ट आप पूछ रहे हैं। आदरणीय है क्योंकि मुझसे भी 5 साल पहले के विधानसभा में है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय पांडे जी को। अब तो ये व्यवस्था और ज़्यादा प्रगाढ़ कर दी है हमने, पहले 85% जो कीमत आती थी चीनी की उसमें DCO हमारा एक अधिकारी और एक जो वहाँ फैक्ट्री का MD या कोई भी GM होता था उनके जॉइंट सिग्नेचर से पैसा विड्रॉ होता था और सीधा किसान के खाते में जाता था। अब तो प्रेस मर हो चाहे खोई हो चाहे इथेनॉल हो, अब तो जिनका भी पैसा आता है वो सबका पूरा पैसा इनके खाते में जॉइंट खाते में आके सीधे किसान के खाते में जा रहा है, लग जाता है। माननीय पंकज मलिक, आप बहुत विद्वान, मैं आपकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, इसमें आपका जो जवाब था उसी मैंने सवाल पूछा। आपने ऊपर तो लिखा 22/12/2022 तक, वो मैंने प्रश्न पूछा था, बाद में आपने जो मैंने पूछा वो पूछा आपने जो दिया वर्तमान में अद्यतन सूचना दिनांक 13/2/2023 इस संदर्भ में मैंने पूछा था, अवशेष अगर बचा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। दूसरा एक सुझाव और मैं देना चाहता हूं, मान्यवर ऐसा क्या दिक्कत है, क्या कमी है सहकारी चीनी मिलों का औसतन गन्ना मूल्य? मेरी जानकारी के अनुसार गन्ना भुगतान मात्र लगभग 55% ही है सहकारी चीनी मिलों को, कम गन्ना भुगतान के क्या कारण है? मेरी जानकारी के अनुसार सहकारी चीनी मिलों में भारी घाटा है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। चीनी मिले CC लिमिट के अंतर्गत चीनी को बंधक रखकर प्राप्त धनराशि से 85% तक गन्ना भुगतान किसानों का कर देती है,
परंतु सहकारी चीनी मिलों की बिक्री समय से नहीं करने के क्या कारण है? सहकारी बैंक को हर साल ब्याज के रूप में लगभग 250-300 करोड़ की राशि भुगतान करी जाती है। सवाल यह है कि सरकार सहकारी मिलों की चीनी को हर महीने समय से बेचने का कोई प्रावधान कर सकती है जिससे लोगों का भला हो सके, किसानों का? एक सुझाव और बड़ी समस्या बागपत जिले की है, मैं सरकार का ध्यान बागपत की रमाला की तरफ दिलाना चाहूंगा। 5000 टन की क्षमता की मिल लगाई गई थी मेरी जानकारी के अनुसार, परंतु यह मिल 3 साल में 300 करोड़ के ऊपर घाटे में जा रही है, किसान बर्बाद हो रहा है, भुगतान हो नहीं रहा, इसकी जांच होनी चाहिए। और मेरी जानकारी के अनुसार इसमें अव्यवस्था है भारी, ना तो अधिकतम रिकवरी मिल रही है, ना पावर एक्सपोर्ट में पूरा पैसा मिला, ना ही बैगास की बचत हो रही है। और मान्यवर एक सवाल और बनता है, आपने बहुत हिम्मत के साथ बहुत मजबूती के साथ जवाब दिया कि हमने इतना इतना कर दिया। अरे साहब, एक रुपया भी रह रहा किसान का क्यों रह रहा है तो बता दो, किसान की खता क्या है साहब? हम लोग किसान परिवार से आते हैं, मुझे ये बता दीजिए अगर किसान के ऊपर एक पैसा भी होता है तो उसे नोटिस भेज करके जलील किया जाता है, उसे बेइज्जत किया जाता है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, मुझे सरकार जवाब दे, बड़ी काबिल सरकार, सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, सरकार ने आते ही कहा था कि हम लाभ दुगना करने का काम करेंगे, लाभकारी मूल्य देने का काम करेंगे, एक रुपया भी नहीं बढ़ाया साहब, इसके बारे में जरूर बता दीजिए। माननीय मंत्री जी उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं आपको और कुछ जानकारियां दी हैं, तो सारे सुझाव आप विचार कर लीजिएगा, जानकारी आप ले लीजिएगा। वो उन्होंने बता दिया कि कितना बताया, रमाला के बारे में पूछा, सवाल नहीं, उन्होंने उत्तर दे मान्यवर आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत विद्वान हैं, मैंने आपको यही विपक्ष में बैठ करके अपने साथ आवाज उठाते देखा है मान्यवर, ये गंभीर मामला है मान्यवर, मेरा आपका सवाल तो अभी तक आया नहीं। मान्यवर सवाल है, कार्रवाई दिखवा लीजिएगा, मैंने रमाला मिल के बारे में पूछा, जो वहाँ गड़बड़ हो रही है उसकी जिम्मेदारी, उसकी जांच होनी चाहिए। जो पूछा उसका बताइए। मैंने कहा गन्ने का भुगतान समय से नहीं हो रहा, 14 दिन का जिक्र इन्होंने किया है जवाब। आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए। जवाब में सुझाव नहीं है, 14 दिन में भुगतान का जिक्र कर। अच्छा, इनका कोई सुझाव नहीं है, उत्तर भरने के कगार। अच्छा, उत्तर ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए माननीय मल्लिक जी, उत्तर ले लीजिए प्लीज, उत्तर ले लीजिए माननीय मंत्री जी, उत्तर ले लीजिए। मानवर इन्हें ये कंफ्यूजन हो गया था, इन्होंने डेट दी 22 दिसंबर 2022 तक, मैंने उसको अलग अलग बताया, एक पिछली साल का इतना था और इस साल जो गन्ना लिया उसका इतना था, ये कंफ्यूजन हो रहा है माननीय विधायक को। मेरा अनुरोध ये था, एक रमाला का इसमें कहीं इनके प्रश्न में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एक अरे सुनो उत्तर सुन लीजिए। मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ, रमाला का कोई स्पेसिफिक कहीं प्रश्न में जिक्र रमाला का आया ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद कोई शिकायत है तो आप मुझे लिख के दे दीजिए, मैं जानता हूँ। धन्यवाद। 14 दिन मंत्री जी, 14 दिन किया है कि 14 दिन में भुगतान हमने किया, 14 दिन के पूछना चाहता हूं कि आज भी लगभग 3 महीने मिल चलते होंगे, आज भी अकेले जनपद शामली का लगभग 169 करोड़, शामली की शामली मिल का ऊन का 169 करोड़, 200 करोड़ से भी ज्यादा है थाना भवन का, बुढ़ाना का एक पैसा अब तक इस सत्र का नहीं जाएगा, ये भी पूछना चाहता हूं, मेरठ की भी रही आज, ये तो सवाल है माननीय अध्यक्ष जी। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। आपने सवाल पूछा माननीय मंत्री जी के पास, जितना उन्होंने उत्तर देना था दे दिया, उससे ज्यादा उत्तर नहीं है, उससे ज्यादा उत्तर नहीं है, वो जबरदस्ती मंत्री जी को कंपेल नहीं कर सकता कि उत्तर दीजिए। आप बता दीजिए माननीय मंत्री जी, तो बता सकते हैं कि इन मिलों पे बकाया है नहीं है, तो वो तो बता चुके हैं 400। अभी सबने क्लैपिंग की थी माननीय अध्यक्ष, सबने क्लैपिंग की थी कि इतने इतने करोड़ कर दिया, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, बता चुके कितना बकाया, जनपद मुजफ्फरनगर बता चुके का जिक्र क्या मैंने, प्रश्न संख्या 5 मोहम्मद फरीम इरफान, माननीय मेरा अनुरोध है, गलत आ गया आपका उत्तर, माननीय मेरा अनुरोध, जवाब दिया मेरा, आपका जवाब नहीं आया तो आप संतुष्ट हैं कि नहीं? आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं, डिबेट नहीं हो सकता, एक प्रश्न का जवाब तो आना चाहिए, अब हो गया, उन्होंने जितना जवाब देना था दे दिया, मैं कंपेयर नहीं कर सकता आपका जवाब देना, मैं कंपेयर नहीं कर सकता, प्लीज प्लीज बैठे।
का है, ये विषय उत्तर प्रदेश से बाहर का है, इशू ये नहीं है। मेरी बात सुनिए पंकज जी, आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, कई बार जीत चुके हैं, आपके खानदानी विधायक हैं आप। आप मेरा निवेदन सुन लीजिए, जितना आपने प्रश्न किया माननीय मंत्री ने उसका विधायक दे दिया, उत्तर दे दिया। अब मैं माननीय मंत्री जी को किसी भी उत्तर देने के लिए जबरदस्ती नहीं कह सकता। अब बैठ जाइए, मोहम्मद इरफान आप पूछिए। अब हो चुका, आप अब इससे ज्यादा नहीं, आप भी दूसरा विधायक की श्रेणी में आना चाहते तो बोलिए। आप कह रहे थे बैठ जाऊंगा, पर इन्होंने मेरा निवेदन है, पूछ रहा हूं, मेरा निवेदन है ठीक।